हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम फैंसी। सो हम जनरल अकाउंटिंग को आगे देखते हैं। हमने देखा अभी कि भारत में इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लागू हुआ कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत। अब हम देखते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कैसे बनाया जाता है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ महत्वपूर्ण जो शब्द हैं सामान्यता एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उसको हम देखते हैं। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको बनाना है, कंपनी अधिनियम में बताया गया कि आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है। अब इसमें क्या क्या होना चाहिए इसको हम देखते हैं, ठीक है। क्या क्या होना चाहिए इसको हम देखते हैं। बैलेंस शीट, क्या बैलेंस शीट स्पष्ट होना चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या, लाभ हानि का वर्णन होना चाहिए। एक आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं उसमें क्या क्या होना चाहिए कम से कम, ठीक है। पहला क्या होना चाहिए, बैलेंस शीट स्पष्ट होनी चाहिए। दूसरा क्या, लाभ हानि का क्या होना चाहिए, वर्णन होना चाहिए। तीसरा, कैश कितना आया और कितना गया इसका वर्णन होना चाहिए। तथा आप किस प्रिंसिपल को अपने अकाउंट बनाते समय किस प्रिंसिपल को फॉलो, ठीक है। कम से कम इतना आपको वर्णन होना चाहिए, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ शब्द हैं जो प्राय पूछे जा सकते हैं, उनको हम देखते हैं, ठीक है। पहला, जर्नल, ठीक है। अब जर्नल क्या होता है इसको हम समझते हैं, ठीक है। अब जब आप पढ़ाई करते हैं, क्या जब आप पढ़ाई करते हैं तो नोट्स बनाते होंगे। तो बहुत से स्टूडेंट होते हैं जो पहले ही नोट्स नहीं बनाते, वो क्या करते हैं, पहले रफ कार्य करते हैं। क्या कार्य करते हैं, रफ कार्य करते हैं और फिर उसे अपने नोट्स में लिखते हैं। नोट्स में बहुत ही छोटे शब्दों में ज़्यादा चीज लिखने की कोशिश की जाती है, ठीक है। तो जब हम अकाउंट बनाते हैं और अकाउंट को रफ करते हैं, सारी जानकारी एक ही जगह हमने लिख दिया, तो उसको बोलते हैं जर्नल। क्या बोलते हैं, जर्नल, ठीक है। इसको बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी बोलते हैं, क्या इसे बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी बोलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री क्या है, नीचे चार ऑप्शन दे दिया जाएगा। उसी तरह जर्नल को भी पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे अब दूसरा जो है उसको बोलते हैं लेजर। लेजर क्या होता है, हिंदी में उसको बोलते हैं खाता बही। यानी कि जब आपने जर्नल से कुछ सूचनाएं, क्या जर्नल से सूचनाएं अलग कर क्या किया, नोट्स में अपने लिखा कि यहां पर सेल वाली सारी चीजें हैं, यहां पर डेबिट वाली सारी चीजें हैं, यहां पर क्रेडिट वाली सारी चीजें हैं, ठीक है। तो क्रय विक्रय डेबिट क्रेडिट आपने सब को अलग अलग अच्छे से कर दिया, तो तब तैयार होता है लेजर। क्या तैयार होता है, लेजर तैयार होता है, ठीक है। अब अगला है बैलेंस शीट, क्या बैलेंस शीट
बैलेंस शीट क्या होता है? बैलेंस शीट एक पॉइंट ऑफ टाइम पर यह बताता है कि कंपनी की स्थिति कैसे है, क्या कंपनी की स्थिति कैसे है, यह बैलेंस शीट एक पॉइंट ऑफ टाइम पर बताता है। अब इसमें पूछा जो जाएगा कि बैलेंस शीट में क्या क्या आता है उसको आप याद रखिएगा। पहला एसेट पूछा जाएगा, बैलेंस शीट में एसेट आता है कि नहीं आता। दूसरा लाइबिलिटी, और तीसरा इक्विटी। इक्विटी ठीक है, ये तीन चीजें किसमें आती हैं? बैलेंस शीट में आती है। बैलेंस शीट क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम पर ये दर्शाता है कि कंपनी की स्थिति कैसे है। तो आज के लिए इतना ही, और हम फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।